हरियाणा लोक जनतांत्रिक पार्टी के संरक्षक तथा पूर्व सांसद राजकुमार सैनी पानीपत पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने पूरी तरह से कमर कस ली है। इन 2 महीनों में रैलियों में रथ यात्राओं का दौर रहने वाला है। राजकुमार सैनी ने मायावती पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि ये लोग अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। मनोहर लाल को भी जाट आरक्षण में हुई हिंसा का जिम्मेवार ठहराया। राजकुमार सैनी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और 90 की 90 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आने वाली 7 जुलाई को यमुनानगर से रथ यात्रा निकाली जाएगी, जो कि 85 विधानसभाओं में से होती हुई 31 जुलाई को समाप्त होगी। उसके बाद अगस्त में 60 रैलियां की जाएंगी, जिसमें हर रोज 2 रैलियां होंगी। पार्टी के स्थापना दिवस पर 2 सितंबर को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2014 से 2019 में बीजेपी सरकार ने केवल और केवल लोगों के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि 2019 में हरियाणा को दिखा देंगे कि सबका विकास क्या होता है। उन्होंने कहा कि जाट आरक्षण के दौरान जो हिंसा हुई उसमें जितने जिम्मेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उतने ही मनोहर लाल खट्टर भी हैं। मनोहर लाल ने समाज के लिए भी कुछ नहीं किया और हम चुनाव में उन्हें दिखा देंगे कि मोदी की लहर में तो वोट ले लिए, लेकिन इस बार उन्हें वोट कैसे मिलते हैं। भाजपा द्वारा 75 सीटें जीतने के बयान पर उन्होंने कहा कि इसमें एक बिंदु लगा दीजिए, 7.5 सीटें ही जीतेंगे। उन्होंने मायावती पर प्रहार करते हुए कहा कि इस बार हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन जो दलितों और पिछड़ों की बात करते हैं केवल अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, जो पहले से ही बैकवर्ड समाज की अनदेखी कर रहे हैं, उनके साथ बैकवर्ड समाज को न्याय कैसे दिलाएंगे, वो केवल अपने उत्थान की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा सरकारी ऐप को लॉन्च करने पर इसे नौटंकी करार दिया। ये विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए हमारा एक रथ यात्रा अभियान 7 तारीख को यमुनानगर से स्टार्ट होकर के लगभग 85 विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए 31 जुलाई से पहले कवर करेगा और 5 विधानसभा फिर हम सितंबर में कवर करके अगस्त में कवर करके अगस्त के अंदर 60 रैलियां हम प्रदेश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में एक एक दो दो विधानसभा जोड़ करके 60 रैलियां करेंगे। 30 दिन में हर रोज 2 रैली और 30 दिन में 60 रैलियां करने के बाद एक बड़ा प्रोग्राम फिर हम अपने पार्टी के स्थापना दिवस पर 2 सितंबर को करेंगे और उसमें ये बता देंगे हम हरियाणा सरकार को कि आप लोगों ने हमारे उस मूवमेंट के तहत वोटें ली, जिस भेदभाव को हम पिछले 4 साल से सड़कों पर बता बता करके लोगों को जागृत कर रहे थे कि बैकवर्ड समाज को सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया और एक ही समाज के 5 मुख्यमंत्रियों ने हरियाणा के अंदर लगभग 52% पिछड़े वर्ग को 10% के हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया और आज बीजेपी की सरकार 6वीं बार चल रही है। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार, 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन 13 महीने और 5 साल और 2 बार बंसीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में बीजेपी हिस्सेदार रही और अब 2014 से अब 2019 में लगातार से बीजेपी की सरकार चल रही है, लेकिन कांग्रेस के द्वारा जो बुरा हाल इस बैकवर्ड समाज का किया गया था, ये जो 11% की 52% लोगों की हिस्सेदारी 11% के अंदर सीमित हुई है, ये आज भी टिल दैट टाइम तक बरकरार है। सबका साथ सबका विकास का भाषण हो रहा, लेकिन 1% का भी इजाफा बैकवर्ड समाज की हिस्सेदारी में नहीं हुआ। हमारा 275 राजनयिक राजदूत दुनिया में गए हुए हैं, हमारा बैकवर्ड का कोई राजदूत नहीं। हमारा जुडिशरी के अंदर चाहे ये 28-30 हमारे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कोई जस्टिस चीफ जस्टिस नहीं। 40 विश्वविद्यालय है, उनमें कोई प्रोफेसर नहीं, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं, कुलपति की तो दूर की बात है। और ठीक उसी प्रकार से हमारे देश के अंदर मिलिट्री है, किसी गुज्जर यादव सैनिक कंबोज या चमार वाल्मीकि धानक की एक भी रेजिमेंट नहीं। और हमारे इस मौजूदा सरकार में बैकवर्ड समाज ने आंख बंद करके मोदी जी को बैकवर्ड मानते हुए वोट दिया,
एक भी बैकवर्ड का कैबिनेट मंत्री नहीं, जो भी छोटे मोटे सिर्फ फाइल ऊपर नीचे अप एंड डाउन करने वाले लोग राज्य मंत्री के तौर पर जरूर दो तीन चार हमारे लिए गए होंगे, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ रहा है भाई हमारे इस SC BC समाज के ऊपर कोई भी रहम करने वाली सरकार नहीं है। अब तो 2019 में हम हरियाणा से दिखाएंगे कि सबका साथ सबका विकास होता क्या है, सबका हिस्सा सबको मिले, एक परिवार में एक रोजगार मिले, इसको साबित करके हम दिखाएंगे। ये हमारे मुद्दे हैं और जिसको हम पिछले 4 साल से सड़क के ऊपर बोलते चले आ रहे हैं और उसी का फायदा उठा करके BJP ने जाट आरक्षण के अंदर जो गुंडागर्दी करवाई गई उसका जितना दोष मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके लोगों का है उससे कम दोष मनोहर लाल खट्टर का भी नहीं है, क्योंकि उसने उन लोगों को आरक्षण देने के झूठे वायदे किए। बिल्कुल अकेले लड़ेंगे इसमें कोई संदेह नहीं। बहुजन समाज पार्टी के साथ आपका अलायंस रहा है, उसको लेकर क्या अनुभव रहा? देखिए मुझे उस अलायंस करने के पश्चात ये लगा कि जो लोग दलितों और पिछड़ों का भाषण तो देते हैं लेकिन उत्थान के लिए सिर्फ अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए उन्हीं बड़े बड़ी पार्टियों के नेताओं के नीचे जाकर के उनको भेंट कर देते हैं और अपने स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। या तो टिकटें बेचने का वो काम कर रहे हैं और अन्यथा वो बताएं कि आखिर आप इस अलायंस से हट करके किसके नीचे लगा करके इन लोगों को इंसाफ दिलाने का प्रयास करते हैं, किस कहां से आपको उम्मीद है आपको इंसाफ मिलने की? जो लोग अब से पहले हमारे हितों को ठगते रहे क्या वही लोग हमारे हितों को वापस देंगे अगर आप उनके साथ समझौते करते हैं? इस वास्ते मुझे बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा कि हमने तो फिर भी उसके लिए प्रयास किया लेकिन अपने स्वार्थों के अंधे लोग वो कभी भी नहीं चाहते कि समाज का उत्थान हो, वो तो सिर्फ अपने उत्थान के लिए लड़ाई लड़ते। सर भाजपा ने नारा दिया जो अभी भाजपा टारगेट लेके चल रही है 75+ का, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस बीच में एक 75+ के अंदर पॉइंट लगा दो 7.5 जी, अब 75 की 7.5 सीटें आ जाएंगी, कोई दो आ जाएंगी आधी आधी और एक आधी जो है ना 5-6 बताएंगे कि 75+ कौन कौन सी आने वाली है। एक ऐप चालू किया इन्होंने कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उस ऐप के बारे में क्या आपको लगता है कि ये कुछ फायदेमंद होगा? ब्यौरे तो जो है ना सरकार के पास सब है, सरकार से कौन सा ब्यौरा छिपे है सरकार को नहीं पता कि 52% लोगों के पास 10% हिस्सेदारी है। 40 यूनिवर्सिटियों के अंदर आज तक 1 अप्रैल 2018 तक एक भी बैकवर्ड का प्रोफेसर नहीं है जो सुई से लेकर के जहाज बनाते हैं। क्या उनमें से एक भी बच्चा ऐसा नहीं जो यूनिवर्सिटियों में जाकर विश्वविद्यालयों में जाकर के कोई प्रोफेसर लग सके? ये सब नौटंकी है और इस SC BC समाज को इस नौटंकी को समझना पड़ेगा। सर मुद्दे क्या रहेंगे आपके? हमारा मुद्दा 100% आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में जी। एक परिवार में एक रोजगार, पॉपुलेशन कंट्रोल हम दो हमारे दो, 5,000 की पेंशन विधवा विकलांगों और वृद्धों के लिए, और जिस परिवार में आजादी से अब तक एक भी नौकरी न बाप को न दादा को न खुद किसी को नौकरी नहीं मिली, सबसे पहले उसे नौकरी देने का काम करेंगे। जनता अगर हमें मौका देती और नौकरी मिलने तक 10,000 रुपए की पेंशन की गारंटी देंगे कि भाई जब तक नौकरी न दिलवा दें तो 10,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देंगे। सर अभी कुछ दिन पहले ही वीरेंद्र सिंह का बयान आया था कि हरियाणा सरकार को जो है वो विकास कार्यों की गति तेज कर देनी चाहिए, तो इसको क्या माना जाए? क्या वो बगावती सुर माना जाए या क्या माना जाए? अब वो तेज क्या करेंगे, तेज तो जो है ना जितने 5 साल में उन्होंने कर ली थी वो पता ही है। आज गाँव की गलियां कैसी, गाँव की सड़कें कैसी हैं, मेजर स्टेट हाईवे कैसे हैं। वीरेंद्र सिंह की भाषा को क्या माना जाए? वीरेंद्र सिंह की भाषा को तो ये है कि मुख्यमंत्री मुझे डिक्लेयर करो नहीं तो फिर मैं भागी। मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? हाँ वो तो मुख्यमंत्री की भूख में है, वो तो गए वहां मुख्यमंत्री बनने के लिए थे।